बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम असलम डयर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट एट का क्वेश्चन इस तरह से है द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ थ्री पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स इज़ सेवनटी सेवन दो सम है सेवनटी सेवन है हमने क्या करना है उन थ्री नंबर्स को थ्री पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स को हमने क्या करना है वी हैव टू फाइंड देम तो इस क्वेश्चन में हमने थ्री पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और उनका गिवन है आई एस को करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे लेट करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर जो पहला नंबर है वो क्या होगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स उसके बाद अगर एक्स हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा सेकंड नंबर इज एक्स प्लस वन सेकेंड जो कंजेक्टिव नंबर है वो क्या होगा एक्स प्लस वन और थर्ड नंबर भी हम लेट कर रहे हैं सो थर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू सो डियर स्टूडेंट्स ये हमने थ्री नंबर्स लेट कर लेने हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड द थर्ड नंबर बी एक्स प्लस टू अब आप क्वेश्चन में देखें कि वो कह रहा हैं द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ थ्री पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स अब हमने क्या करना है जी इनके स्क्वेयर जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं तो हम स्क्वेयर्स के लिए यहां पे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर अगर एक्स का स्क्वायर लें तो क्या आएगा एक्स स्क्वेर आ जाएगा इसी तरह सेकंड नंबर है क्या एक्स प्लस वन तो यहां पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर सेकंड नंबर क्या है एक्स प्लस वन तो इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसी तरह से थर्ड नंबर क्या है एक्स प्लस टू हमने लेट किया है इसको स्क्वायर क्या होगा हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर एक्स प्लस टू का स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें यहां पे हमने नंबर्स लेट किए, फिर उनके स्क्वेयर्स कर लिए अब आप देखें इनका सम जो है वो क्या गिवेन है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ थ्री पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स इज़ सेवेंटी सेवन यहां पर हम लिखेंगे सम their squares is equal to what seventy seven. ये students information given है तो आगे हम इसको जो है इस information को use करते हुए हम इसकी जो condition है हम लिखेंगे according to given condition given condition के मुताबिक हमने क्या करना है इनके स्क्वेयर्स का सम करना है तो फर्स्ट नंबर जो एक्स था उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायेर सम में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं प्लस करते हैं सेकंड नंबर एक्स प्लस वन है उसका स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर एक्स प्लस टू है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिखेंगे और इनका सम इक्वल है सम ऑफ द स्क्र इक्वल टू सेवेंटी सेवन इस तरह से ये स्टूडेंट्स ये कोई ना आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे हम इसका यहाँ पे a प्लस बी का a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करें ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे x है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बैक इट क्लोज फिर आप ये प्लस लिखेंगे और एक्स प्लस टू के ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क् प्लस टू का स्क्वा आप देखें यहां पे आपने ए प्लस बी होल का फार्मूला अप्लाई किया आपने इस तरह लिखना है यहां पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया आपने ऐसे लिखना है अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्र एज इट इज प्लस इस ब्रैकेट के बाहर देखें प्लस का साइन है अब ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायेयर वन का स्क्वायर वन होता है प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें टू एक्स आएगा इधर भी ब्रैकेट से बाहर बाय प्लस है ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे डायरेक्ट इसका स्क्वायर लिख लेंगे एक्स स्क्वायेयर टू का स्क्वायर क्या आएगा फोर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो टू टू ज फोर फोर इंटू एक्स इज फोर एक्स इक्वल टू सेवेंटी सेवन अब देखें एक्स स्क्वायेर आपके पास कितनी कितने टाइम्स आ रहे हैं वन टू थ्री तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा थ्री एक्स स्क्वायर फिर आप देखें एक्स वाली वैल्यूज कितनी है प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स एड इनको कर लें यह आ जाएगा सिक्स एक्स फिर प्लस वन और प्लस फोर ये देखें आपके पास आ जाएगा प्लस फाइव इक्वल टू सेवेंटी सेवन जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में सेवनटी सेवन को आप इधर ले आएंगे ये आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव माइनस सेवेंटी सेवन इक्वल टू ज़ीरो सेवेंटी सेवन में से फाइव माइनस करें थ्री एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवेंटी टू इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर आपने देखना है कि कोई कॉमन आप ले सकते हैं यस yes, थ्री अगर आप कॉमन लेंगे तो आपकी आपके पास आएगा एक्स स्क्र प्लस थ्री टू जर सिक्स टू एक्स माइनस सेवनटी टू को अगर थ्री से डिवाइड करें यहाँ पे क्या आएगा थ्री टू जिक्स वन थ्री फोर जो ट्वेल्व ट्वेंटी फोर आ जाएगा इक्वल टू जीरो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है अगर थ्री से दोनों तरफ डिवाइड करें तो थ्री जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो इसको हम आगे जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे एक्सक्वेर लिखेंगे प्लस इसका कॉपिशन वन है वन को माइनस ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे अब कोई से दो नंबर आपने सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस ट्वेंटी फोर आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस टू एक्स आए तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस सिक्स एक्स देन माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल फो टू ज़ीरो यहाँ पर एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस सिक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पर माइनस फोर कॉमन लेंगे यहाँ पे आएगा x प्लस ये माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगा फोर सिक्स हजार ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो देखिए ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया x प्लस सिक्स और ये आ जाएगा x माइनस फोर इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स अब देखें आप यहां पे आपके पास ये दो फैक्टर आ जाएंगे आप यहां पे लिखेंगे इधर x प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स आ जाएगी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू फोर डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो थ्री नंबर्स उन्होंने बताए हैं बेसिकली थ्री पॉजिटिव नंबर्स बताए हैं उन्होंने पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स तो x की वैल्यू यहाँ पे ये माइनस सिक्स आई नेगेटिव नंबर है इसको हम क्या करेंगे ये रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी फोर इसका क्या मतलब है हम लिखेंगे सो so, एक्स हमने लेट किया था फर्स्ट नंबर तो हम लिखेंगे यहां पे सो द फर्स्ट नंबर इज ईक् टू एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है फोर अगर एक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू फोर आती है तो फिर सेकेंड नंबर क्या होगा हम लिखेंगे सेकेंड नंबर इज इक्व टू एक्स प्लस वन एक्स की वैल्यू पुट कीजिए फोर प्लस वन सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा इधर लिख लें फाइव प्लस वन फाइव फर्स्ट नंबर फोर सेकेंड नंबर फाइव और अब हमने थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है हम लिखेंगे थर्ड नंबर फोर प्लस टू सो फोर प्लस टू क्या आएगा सिक्स आएगा तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने थ्री पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं यहां पे हम लिखेंगे देयर फोर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर थ्री पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स नंबर्स आर फोर फाइव एंड सिक्स ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है हमने थ्री पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि क्या आए हैं फोर फाइव एंड सिक्स स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़